हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह आपका स्टैटिक जीके का पार्ट थर्ड होने वाला है। सो जिन्होंने स्टैटिक जीके का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है और सेकंड नहीं देखा है, वह सबसे पहले स्टैटिक जीके का पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट थर्ड में आइए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं और सब के सब क्वेश्चन किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा गया है। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए या अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? वह कुकीज कहलाती है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है बग। बग मतलब क्या होता है? एरर। कंप्यूटर में जो एरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और आपका एक है वर्ड यहाँ पर मालवेयर। मालवेयर मतलब होता है कि डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर, कि वैसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस को जो नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? मालवेयर। जैसे आपका हो गया वायरस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। सो रक्तचाप का जो उपचार किया जाता है वह सर्पगंधा से किया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सर्पगंधा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता है जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। सो एनफील्ड राइफल जो लाया गया था वह हेनरी हर्डिंग के द्वारा लाया गया था। और 1857 का जो रिफॉल्ट हुआ था उसमें जो आपका गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और 1857 का जो विद्रोह सबसे पहली बार जो किया था उनका नाम था मंगल पांडे ने कहे कि जो एनफील्ड राइफल्स है उसमें जो गाय का चर्बी का उपयोग किया जाता था और ये जो राइफल्स होता है उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिनके कारण आपका मंगल पांडे ने यह काम करने से मना कर दिए और जिनके कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। तो आसियान देश का जो संस्थापक सदस्य है वह आपका कौन है? मलेशिया है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मलेशिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में जॉन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी भी किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? तो जॉनविल मेला जो होता है वह भारत के असम राज्य में लगता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। तो वह कौन सा देश में फहराई थी? तो वह जो फहराई थी वह जर्मनी में फहराई थी। जर्मनी में आपका एक स्थान है स्टुटगार्ट। कहाँ पर है? स्टुटगार्ट। सो स्टुटगार्ट में ही मैडम भिखाजी के द्वारा 1907 ईस्वी में भारतीय झंडा फहराया गया था पहली बार। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, जर्मनी। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आईसीसी आई मतलब हो गया इंटरनेशनल, सी मीन्स हो गया आपका क्रिकेट और सी मतलब फिर क्या हो गया? काउंसिल। इंटरनेशनल काउंसिल की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ पर है बाबू? दुबई में आईसीसी की हेड क्वार्टर है। इसका जो अभी हेड है वह कौन है? जॉर्ज बार्कले हैं, जो आपका कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के निवासी हैं। सो आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? सो आपका किसने जीता था? भारत ने जीता था। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से प्रसिद्ध हैं या फिर किस नाम से विख्यात हैं? सो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी को कवि प्रदीप के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्को डिगामा के द्वारा। वास्को डिगामा कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आए और भारत के
कालीकट बंदरगाह में वह आए, भारत के कालीकट बंदरगाह में आए। और कालीकट बंदरगाह में जेमेरिन नामक शासक ने उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सुमिलित नहीं है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, आपका सुमिलित है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यह भी आपका सुमिलित है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यह भी आपका सुमिलित है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, यह आपका सुमिलित नहीं है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है बाबू? विश्व टीचर डे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हरभजन सिंह कबड्डी नहीं खेलते हैं। हरभजन सिंह का जो गेम है वह क्या है? क्रिकेट। साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन है। बैडमिंटन का एक और बहुत ही फेमस है आप पीवी सिंधु, ठीक है। यानी कि ज्वालागढ़ आपका बैडमिंटन है, अभी सही है। यानी कि विराट कोहली क्रिकेट से अभी सही है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर कि हरभजन सिंह आपका कबड्डी नहीं खेलते हैं, वह क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो संतोष ट्रॉफी आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GI टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद कौन है। सो GI टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद जो है वह दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है। GI का जो एक्ट है और GI का एक्ट आपका कौन है 1999 में है, लेकिन GI टैग देना कब से शुरू हुआ था? 2003 से GI टैग देना शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है। सो MICR का फुल फॉर्म है M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक हो गया, C फॉर कैरेक्टर हो गया और R फॉर रिकॉग्निशन हो गया। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है। सो RBI के लोगों में जो जानवर का चित्र है वह रॉयल बंगाल टाइगर है। RBI का जो एक्ट था वह 1935 का एक्ट था और 1935 एक्ट 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ और RBI की स्थापना करने के लिए एक कमेटी बना था जिनका नाम था अंग हिल्टन कमेटी नाम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध बुक या बेटर इंडिया या बेटर वर्ल्ड, यह जो बुक लिखा गया है वह NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं अर्थ समिट। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक GK का पार्ट 4 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।